हे एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक विद आवर न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर वेल, फिट एंड फाइन। सो गाइस, सुबह के बज चुके हैं 10:15, 10:15 हो गए होंगे और हम लोग अभी सोकर उठे हैं। सुबह 5 बजे की हम लोगों ने ट्रेन पकड़ी थी और हम लोग रेस्ट कर रहे थे। और अभी यहाँ पे तनिष्का मिश्का का चल रहा है गाइस नाश्ता। ये देखिए, ये बॉटल खोल नाश्ता कर रही है और मिश्का से पूछते हैं, मिशु आपको कैसा लगा अजमेर? बहुत अच्छा लगा। इसका टूटा तो नहीं गिलास? ये बहुत अच्छा लगा तनिष्का मिश्का को गाइस। और थकान इतनी हो गई थी, अभी जस्ट उठे हैं, पीते हैं एक अच्छी सी गर्मा गर्म चाय, पहुँचते हैं घर, फिर घर पर जाकर आपसे बातें करेंगे। सुबह सुबह का खेतों का नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए ग्रीन ग्रीन हो रहे हैं और यहाँ मेरी मिश्का खेत देख रही है। मिशु, इन्हें खेत कहते हैं? खेत क्या बोलते हैं? खेत बोलते हैं इनको। आपको पता जो ये मिट्टी जमी हुई है ना नीचे, आपको पता उसको कहते हैं मिट्टी। मिट्टी और बस एक घंटे के बाद हम दिल्ली में होंगे, पहुंचने ही वाले हैं। यहाँ ट्रेन ने अपनी स्पीड कम कर दी है। और गाइस यहाँ देखिए तनिष्का कहाँ चढ़ी हुई है। फ्रेंड्स, यहाँ हम पहुँच चुके हैं दिल्ली में और हम लोग ट्रेन से उतर गए हैं। अब लोग यहाँ पे हम लोग पी रहे हैं चाय और तनिष्का मिश्का एंजॉय कर रही है अपना जूस, ये देखिए। और ट्रेन ने हमें बिल्कुल करेक्ट टाइम पे पहुँचाया गाइस, बिल्कुल करेक्ट टाइम पे ट्रेन वहाँ से चलती थी। लाओ इधर लाओ, मैं बोल रही हूँ। तो गाइस चाय पीते हैं गर्मा गर्म अच्छी सी, उसके बाद चलते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम पहुंच गए हैं दिल्ली और घर। हम घर पहुंच गए हैं गाइस और यहां हम लोग नहाकर रेडी हो चुके हैं, अपनी थकान उतार रहे हैं। और कैसा लग रहा है घर आके? और गाइस आप कैन यू इमेजिन कि सो गाइस, क्या आप, मैं कह रही थी कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, बाहर इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है कि तनिष्का की थोड़ी देर के लिए तबीयत भी खराब हो गई थी। हम लोग आए जब बहुत ज़्यादा गर्मी है, बिकॉज इतनी गर्मी वहाँ भी नहीं है। हम लोग जहाँ गए थे अजमेर, वहाँ भी इतनी गर्मी, कल पूरा दिन हम घूमे पर इतना फील नहीं हुआ। और हमें यहाँ से ट्रेन से उतरती जो गर्मी लगी है, और जो मतलब ऐसे लग रहा था लपटे गए, और यहाँ पे हालत भी बहुत खराब हो गई थी गाइस थोड़ी देर के लिए। और अब हम लोग रिलैक्स कर रहे हैं और थोड़ा घर में आके ले रहे हैं चैन की सांस। और यहाँ हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया है अपना लंच। तो गाइस ये देखिए, लंच हमारा आ चुका है। ये है थाली, वेज थाली। यहाँ पे तनिष्का मिश्का का बर्गर है, कोक है, और इसके अंदर क्या है इसकी अनबॉक्सिंग भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो चलिए करते हैं जल्दी से लंच, बिकॉज बहुत जोरों की भूख लगी है गर्मी में। हाँ जी गाइस, बाहर से इसलिए मंगाया हमने बिकॉज अभी बनाने की हिम्मत नहीं है, गर्मी बहुत ज़्यादा है और कोई प्रिपरेशन नहीं है, तो हमने सोचा बाहर से ही ऑर्डर कर लेते हैं। तो तनिष्का मिश्का कर रही है इनकी अनबॉक्सिंग, तो चलिए मैं बैक कैमरा आपको इनकी अनबॉक्सिंग वीडियो भी दिखाती हूँ। सो गाइस, तनिष्का मिश्का ने यहाँ कर ली है अपने बर्गर की अनबॉक्सिंग। ये थाली यहाँ लग गई है दोनों भुक्कड़ खाने के लिए। तनिष्का खा रही है किंग साइज बर्गर, मिश्का खा रही है अपनी फ्रेंच फ्राइज, और डैडी खा रहे हैं चिकन बर्गर। और गाइज मेरी यहाँ आई गई है वेज थाली और मैं खाऊंगी आज वेज थाली, तो इसे भी मैं ओपन कर लेती हूँ। वेज थाली
जिसे खाते देखते ही मुझे इतनी तेज भूख लगाई है कि फटाफट खाने का मन कर रहा है। और यहाँ मिश्का बहुत इंजॉय कर करके खा रही है। तनिष्क, तो इतने दिनों बाद बर्गर खा के कैसा लग रहा है? हाउ इज यू फीलिंग? नाइस। चलो चलिए गाइस, जल्दी से हम लंच करते हैं, ये ठंडा हो जाए उससे पहले कर लेते हैं अपना लंच। और खाना खाने के बाद ज़बरदस्त मीठा मिल जाए ना तो खाने का मज़ा ही दोगुना हो जाता है। और यहाँ मीठे में है, ये है चोकोलावा केक बर्गर किंग का, बीके कैफ का। और ये देखिए बहुत ही ज़्यादा गर्म है, बहुत ही ज़्यादा यम्मी लग रहा है। और तनिष्क का मिश्का खाने के लिए इसे उतावली हो रही है, उतावली हो रही है। तो चलिए इन दोनों को कौन खाएगा पहले? मैं। नहीं मैं। कौन खाएगा? खा लूंगी मैं। ये देखिए मिश्का पहले से ही खाने लगी। मिश्का स्पून तो ले लो, ये लो। पहले दीदी को खिलाना वन बाइट बेबी, आराम से आराम से। ऐसे नहीं बेबी, ये गर्म भी हो सकता है। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मैं खिलाती हूँ। हाँ खाओ। कैसा लगा? कैसा लगा? यमी। और गाइस देखिए नीचे इसमें ना बहुत ज़्यादा चोकोलावा है ये, और ऊपर है हार्ड। और तनिष्का को खिलाते हैं हम बाइट। मिशु हाथ से नहीं। और मैं भी खाती हूँ हमारा। चीयर्स गाइस। गाइस यहाँ तनिष्का मिश्का सोकर उठ गई हैं, और उठकर अभी अपने गिफ्ट अनबॉक्स कर रही हैं जो इन्हें मिला है इनकी मौसी जी से। चलो तो चलो अनबॉक्स को। मौसी को अभी मिला है गिफ्ट। तो मौसी को पहले थैंक्स तो बोलो। थैंक यू मौसी। मौसी जी। और अब ये दोनों देख रहे हैं इसके अंदर है क्या गिफ्ट। ये तो कैसेरोल है, कैसेरोल लग रहा है मुझे। गिफ्ट है नहीं ये, कैसेरोल तो है हमारे पास, है ना तनिष्का? पर क्या पता ये आपके लिए हो। खोल के ओपन करके देखो। हाँ आप दोनों के भी काम आ जाएगा। हमारे पास इससे बड़ा कैसरोल है, ये छोटा कैसरोल तुम दोनों के लिए। छोटा कैसरोल है ये, है ना ताशु? अच्छा है ना? ऐसे ऊपर से घुमाओ, उधर से उधर से उधर से। ऐसे घूमेगा। यस। कैसरोल जो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी बेटा। ओके ठीक है गाइस, यहाँ पे देखिए मिश्का ना डॉन बनी हुई है, और ये ना दीदी को मार रही है। ये देखिए दीदी कैसे डर के भाग रही है इससे। और ये दोनों शैतान लड़कियाँ बहुत ज्यादा शैतानी कर रही। मिश्का को नहीं मारना, नहीं मारना। अच्छा ताशु सॉरी बोल दो, मिश्का को सॉरी बोलो। जाओ जाओ मिश्का को सॉरी बोल दो। मिश्का पता है बहुत अच्छी बेबी है, बहुत अच्छी है मिश्का, तो समझदार भी है। बहुत अच्छी नहीं है, कुछ नहीं चाहिए। तनिष्का से सॉरी नहीं चाहिए। क्यों चाहिए सॉरी? क्यों? क्योंकि इसलिए मुझे सॉरी नहीं चाहिए। सो
गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं हम लोग सोकर उठ चुके हैं, बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी लंच करने के बाद, इतना ज़्यादा रिलैक्स किया कि पता ही नहीं चला। और यहाँ तनिष्का मिश्का गाइस देखिए बहुत ज़्यादा ना शैतानियाँ कर रही है, देखिए ये मिश्का ना तनिष्का के पीछे पड़ी हुई है और बहुत ज़्यादा इसको शैतानियाँ सूझ रही है। मिश्का आप व्लॉग में आ रहे हो फिर सब बोलेंगे मिश्का तो बहुत शैतान लड़की है, बहुत नॉटी बेबी है। और दीदी भी मेरी फ्रेंड वो भी गंदी। सो गाइस यहाँ हम लोगों ने चाय भी पी ली है, मैंने अपनी शाम की चाय भी पी ली, अब हम रिलैक्स कर रही हूँ और खाना पीना भी हम लोगों का हो चुका है। सो आज का व्लॉग यहीं पर, मिलेंगे कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट। और जाते जाते जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। राम राम जी।